प्रिय विद्यार्थियों, इस समय आप देख रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो कक्षा सातवीं सामाजिक विज्ञान द्वितीय खंड इकाई 6 पाठ 18 आर्द्रता और वर्षा। इसके प्रश्नोत्तर देख रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है ओला होता है, तो यहाँ पर द्रव, ठोस, लचीला, गैसीय दिया है। इसमें सही है ब, ठोस। दूसरा प्रश्न है, पश्चिमोत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस ऋतु में होती है? तो यहाँ पर सही है ब, शीत ऋतु, और दूसरी दी है ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु। तो ब सही है, शीत ऋतु। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, जल के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। दूसरा है, जल वाष्प के पुनः द्रव या ठोस रूप में बदलने को संघनन कहते हैं। तीसरा है, वर्षा मापने वाले यंत्र को वर्षा मापी या वर्षा मापक कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, लघु उत्तरी प्रश्न। पहला है, जल वाष्प किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जल के बहुत बहुत छोटे कण जब गैस का रूप धारण कर वायुमंडल में फैलते हैं तो उन गैसीय जल कणों को जल वाष्प कहते हैं। नंबर 2 है, वाष्पीकरण क्यों घटता बढ़ता है? इसका उत्तर है, तापमान के घटने बढ़ने से वाष्पीकरण घटता पड़ता है। तीसरा है, बादल कैसे बनते हैं? इसका उत्तर है, वाष्प युक्त गर्म वायु जब हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है और फैलकर ठंडी होती है तो इससे बादल बनते हैं। प्रश्न नंबर 4, हिमपात किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, आकाश में अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर वाष्प ज़्यादा ठंडी होने से हिम कणों में बदल जाती है। यही हिम कण धरातल पर, मतलब पृथ्वी पर, हिम या बर्फ के रूप में बरसते हैं, तो इसे बोलते हैं हम हिमपात। प्रश्न नंबर 5 है, चक्रवातीय वर्षा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, चक्रवात में मध्य की हवाएं ऊपर उठकर ठंडी होने पर वर्षा करती है, इसलिए इसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। पहला है, संघनन क्या है? इसके विभिन्न रूपों को लिखिए। इसका उत्तर है, जल वाष्प के पुनः द्रव या ठोस रूप में बदलने को संघनन कहते हैं। संघनन के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं, ओस, पाला, कोहरा, धुंध, बादल या मेघ, वर्षा और हिमपात। ये संघनन के विभिन्न रूप हैं। प्रश्न नंबर 2, वर्षा कितने प्रकार की होती है? सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका, वर्षा 3 प्रकार की होती है। तो पहली है, संवहनीय वर्षा, तेज गर्मी के कारण पृथ्वी पर उपस्थित पानी भाप बनकर उड़ जाता है। ये जलाशय है और यहाँ पर गर्मी के कारण ये पानी भाप बनकर ऊपर जा रहा है, ये बादल का रूप ले रहा है, तथा काफ़ी ऊंचाई पर पहुँचकर संघनित होकर यहाँ पर जाके संघनित होता है, बूंदों के रूप में पृथ्वी पर बरसता है। अब ये बूंदों के रूप में पृथ्वी पर बरस रहा है, इस प्रकार की वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, दूसरा भाग, पर्वतीय वर्षा समुद्र से स्थल की ओर। ये जो समुद्र है, इधर समुद्र है, समुद्र से स्थल की ओर, ये पर्वत है, तो समुद्र से आ रही है हवाएं, समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली वाष्प, वाष्प युक्त हवाओं की दिशा में जब पर्वत आ जाते हैं, ये पर्वत है और ये जाने का मार्ग है इनका, तो इनकी दिशा में अगर पर्वत आ जाते हैं तो हवाएं पर्वतों के सहारे ऊपर उठने लगती है, ऐसे ये ऊपर उठने लगती है।
अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर हवाएं ठंडी होकर पर्वतों पर वर्षा करती है। अब ये ऊपर उड़ती है और यहाँ से अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर यही हवाएं ठंडी होकर पर्वतों पर वर्षा करती है, इसे ही पर्वतीय वर्षा कहते हैं। नंबर 3 है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवात में मध्य की हवाएं ऊपर उठकर ठंडी होने पर वर्षा करती है, इसे ही चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। ये इस प्रकार से चक्रवात रहता है जिसमें गर्म हवाएं जो है वो ठंडी मध्य की हवाएं ऊपर उठकर, मतलब गर्म हवाएं जो रहती है वो ऊपर जाती है और ठंडी होने पर वो वर्षा करती है। ये गर्म हवाएं ऊपर जाएगी तो ठंडी हवाएं इनका स्थान लेगी। प्रश्न नंबर 3 है वर्षा मापक का चित्र बनाइए। तो वर्षा मापक में क्या होता है, एक कांच का बर्तन होता है और इसमें एक कीप लगी रहती है। तो वर्षा का जब पानी इसके ऊपर कीप के ऊपर अंदर गिरता है तो कीप की नोक जो रहती है, यहाँ पर जो छेद रहता है उसका साइज फिक्स रहता है, तो बूंद बूंद के रूप में इसके अंदर आता है। जब पानी मान लो एक बार वर्षा हुई, 1 घंटे तक वर्षा हुई, तो 1 घंटे तक बूंद बूंद पानी इसमें आ जाएगा। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इस कीप को हटा देंगे और इस बर्तन का पानी इसमें, ये नपना ग्लास है जिसमें सेंटीमीटर में भाग हैं, सीसी में रहते हैं, सेंटीमीटर में रहते हैं, तो ये मालूम पड़ जाता है कि कितना सेंटीमीटर पानी इस पात्र में आया। और इसी प्रकार इसी साइज का उपकरण सभी जगह रहता है, पूरे देश में रहता है। तो यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई, जितना पानी आएगा जितने सेंटीमीटर तक। प्रश्न नंबर 4 है आर्द्रता क्या है। आर्द्रता के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। आर्द्रता या नमी, ह्यूमिडिटी बोलते हैं इसको, उमस जो रहती है उस प्रकार से। उत्तर, वायुमंडल में पाई जाने वाली नमी या जल वाष्प ही वायुमंडल की आर्द्रता कहलाती है। आर्द्रता के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। पहला है ओस, तो ओस क्या होती है, वाष्प या आर्द्र वायु, मतलब वाष्प या नम वायु ठंडी होने के कारण ओस की बूंदों के रूप में बदल जाती है। नंबर 2 है पाला, वायु का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर वाष्प जल कणों में न बदलकर हिम कणों में बदल जाती है। यही हिम कण पत्तों पर जम जाते हैं जिसे पाला कहते हैं। नंबर 3 है कोहरा, ठंडी व गर्म वायु के मिलने पर कोहरा बन जाता है। नंबर 4 है धुंध, यह कोहरे का हल्का रूप है। नंबर 5 है बादल या मेघ, जल के कणों के बड़े बड़े समूह बादल या मेघ कहलाते हैं। नंबर 6 है वर्षा, वायुमंडलीय जलवायु के संघनित कण बाहरी होने पर जब बूंदों के रूप में धरती पर गिरते हैं तो उसे वर्षा कहते हैं। नंबर 7 है हिमपात, जब हिम कण धरातल पर हिम या बर्फ के रूप में बरसते हैं तो इसे हिमपात कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। तो आपने देखा ये कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान द्वितीय खंड इकाई 6 पाठ 18 आर्द्रता और वर्षा के प्रश्नोत्तर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।